2024 के रण में विजय पताका फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बर्धमान में रैली की। इस दरमियान उनके निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी रहे। पीएम ने अपने संबोधन में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, नहीं मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। अगर मेरा कोई वारिस है तो ये मेरे देश के हर परिवार के बच्चे मेरे वारिस हैं। मैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाना चाहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप भी जानते हैं अगर पद की लालसा हो प्रतिष्ठा की लालसा हो पीएम पद की लालसा हो तो एक बार इंसान पीएम के शपथ ले ले फिर उसके जीवन में वो ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो दो बार एमपी रहे पीएम रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया। अरे कभी तो आराम करो। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। टीएमसी, ये लेफ्ट और ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं, ये दिन रात क्या कर रहे हैं? मोदी का सिर लाठी मारकर फोड़ देंगे, ये कहते हैं मोदी को गोली मार दो। लेकिन मैं भी डरने वालों में से नहीं हूं और ये नामदार लोग समझ लें, कामदार कभी डरते नहीं हैं। ये नामदार लोग समझ लें, गरीब ने कभी डर करके जिंदगी जी नहीं है। और मैं गरीबी से निकला हूं तो डरना तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है।